नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं TV30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सोनिया रघुवंशी। इस वक्त की खास खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही है, आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। हाथरस के श्री रामेश्वर दास अग्रवाल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालय योगा चैंपियन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर इंदु वाष्णे ने की। निर्णायक मंडल में मनोज यादवेंदु, पूर्णिमा चौधरी एवं योगाचार्य सुमित कुमार भी शामिल रहे। हाथरस के आरडी कॉलेज में आज जो प्रतियोगिता हुई है, आपने भाग लिया है, किस तरह की प्रतियोगिता रही है? ये योगा प्रतियोगिता थी और हमें इसमें भाग लेके बहुत अच्छा लगा और हमने अपने आनंद खुल के इसमें पार्टिसिपेट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। क्या नाम? मेरा नाम खुशबू शर्मा है, मैं मीतई से ब्लॉग करती हूँ। मीतई। मेरा नाम मीनेश चौधरी है और मैं पहले अपने कॉलेज की आभारी हूँ क्योंकि मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ और इसी में मैंने कंपटीशन किया। सो मुझे पार्टिसिपेट करके अच्छा लगा और सारे गुरुजन का भी आशीर्वाद रहा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है अंजलि कुशवाहा है और मैं BA 3rd year की छात्रा हूँ और आरडी गर्ल्स कॉलेज की भी छात्रा हूँ। और इस कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ ऐसी प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं जिसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और करने के साथ हमारे टीचर्स भी जो हमारे गुरुजन हैं हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हमें उससे आगे बढ़ने के लिए इतनी चीज़ें बताते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ और भी एक्टिविटी करनी चाहिए और उसमें इतना अच्छा करना चाहिए कि हम ऑल इंडिया और मतलब ऊँची लेवल पर भी हम जा सकते हैं। कॉलेज के लिए क्या करना चाहेंगे, जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? अब जैसे हमने उसमें हमारी क्लास की सभी लड़कियां थी, सभी ने अच्छे से काम किया, जो भी काम था सबको अच्छे से किया और आगे के लिए अगर हम करना चाहते हो अपनी छोटी जो ग्रेजुएट वाली लड़कियां होंगी उन्हें हम प्रेरित करेंगे कि आप भी इस चीज़ में आने के लिए आगे बढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके द्वारा RD कॉलेज में जो कार्यक्रम योगा प्रतियोगिता कराई गई है, किस तरह की प्रतियोगिता? ये हमें विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित की गई योगा महिला महाविद्यालय प्रतियोगिता कराने के लिए दी गई, जो कि आज दो को सरस्वती डिग्री कॉलेज में बॉयज़ के लिए कराई गई थी और आज SRDA गर्ल्स PG कॉलेज हाथरस में महिलाओं के लिए कराई गई है, जिसमें आज विजेता SRDA गर्ल्स PG कॉलेज रहा और उपविजेता सरस्वती डिग्री कॉलेज रहा। इससे बच्चे बहुत मोटिवेटेड होते हैं और जितने ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें एक हीन भावना जो होती है बच्चों के अंदर वो दूर हो जाती है और बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा निखार कर अगली बार पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं। कॉलेज के लिए क्या करना चाहिए? बस बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी लड़कियाँ हैं जितने लड़के हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करें जिससे आगे उनका नाम देश का नाम रोशन कर सके। ये विश्वविद्यालय स्तरीय अंतर महाविद्यालयी प्रतियोगिता है, यानी विश्वविद्यालय के जितने महाविद्यालय हैं उनके प्रतिभागियों ने यहाँ प्रतिभाग किया है और यहाँ हमारे महाविद्यालय में सिर्फ छात्राओं की प्रतियोगिता हुई है। ये तो जो छात्राएं योगा में अपने आप को प्रशिक्षित कर रही हैं उन, क्योंकि योगा को एक स्पोर्ट के रूप में सरकार ने स्वीकार किया है, तो यहाँ पर जो प्रतियोगिता हुई थी वो योगा की ही हुई थी जिसमें 7 महाविद्यालयों ने प्रतिभाग किया और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारा महाविद्यालय इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान पर सरस्वती डिग्री कॉलेज आया है और तृतीय स्थान पर श्री वाष्णे महाविद्यालय अलीगढ़ रहा है। तो मैं सभी प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूं और महाविद्यालय ने इस प्रतियोगिता को आयोजित किया उसके लिए हम सभी गौरवान्वित हैं। धन्यवाद। अब आपका पसंदीदा चैनल TV30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्क को एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ
गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉइड ऐप एवं जुड़े रहे TV30 इंडिया के साथ।